I'm Sairam. Hello people, I am Saiaastha, back again with you. Sorry I was not active on my channel for a few days, but as we are seeing and facing all these lockdowns and COVID problem and this virus which is taking the complete entire world, I was actually meditating. I was in Shirdi on 16th, where the mandir was closed on 17th Tuesday. It was the last day I was in mandir for 1.5 hours, and I really prayed for, you know, well-being of everyone. Well, I am doing some meditation which I'm doing with few of people, and I want everyone to join because this is getting very serious with the time, and alone I cannot do it, I cannot manage it. Well, now I'll completely take this in Hindi and English mix. See, मैंने जब ये meditation के बारे में सोचा था, तब I was not aware कि मैं इतनी strong healing meditation कभी खुद कर सकती हूँ, या कुछ भी ऐसा कि मतलब वो meditation मैं successfully कर पाऊँगी, वो energy मेरी पूरी ले लेती है हर चीज़. So हुआ क्या, मैंने इसके बारे में सोचा, मैंने सोचा कि मैं नहीं कर पाऊंगी. फिर मैं शिरडी चले गई थर्सडे, लास्ट टू लास्ट शिरडी जाने से पहले वाला थर्सडे. सिर्फ बैठे बैठे ही बहुत ज़्यादा माइंड अपसेट था. मैंने टिकट्स बुक करी, मैं मंडे को शिरडी चली गई. मुझे नहीं पता था लॉकडाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा सब, बट आई वॉज़ वेरी लकी कि मुझे मंदिर जाने को मिला मंडे को भी, ट्यूजडे को भी. मंदिर बंद होने से पहले मैं मंदिर में थी, वेंसडे को मैं नासिक में थी. थर्सडे वाले दिन बंद मंदिर में, मतलब बंद मंदिर से एक प्रीस्ट अंदर से मंदिर से आए, उन्होंने मुझे बाबा का एक रेड वाइट ड्रेस दिया और कुछ उदी के पैकेट्स दिए. तो एक बाबा का आदेश ऐसा आया कि सिया करना है, मेडिटेशन करना है, सायंसा आप करोगे. तो वापस दिल्ली आने के बाद सैटरडे को, फ्राइडे को मैं लकीली आ गई थी, सैटरडे से सब लॉकडाउन था. तो सैटरडे को वापस आने के बाद मैंने वो मेडिटेशन शुरू किया. वो मेडिटेशन मैं रामनवमी वाले दिन सबके साथ शेयर भी करूँगी, आप लोग देखना ज़रूर. सी, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रहा है, पूरा वर्ल्ड लॉकडाउन है. मैं कोई भी नहीं हूँ आप लोगों को कुछ कहने वाली, मैं बहुत सिंपल, एक बहुत ही छोटे लेवल से आप लोगों तक सिर्फ इतना मैसेज पहुँचा रही हूँ कि इस लॉकडाउन को थोड़ा सा सीरियस ले लीजिए, अपने घर पर रहें, फाइट करें, प्रे करें, उन लोगों के लिए प्रे करें जो इससे एक्चुअल में तड़प रहे हैं. जितने ये इटली के, यूएसए के, जितने ये चाइना के लोग रिकवर हुए हैं, उनके लिए प्रे करें, सबके लिए प्रे करें. कितने जर्मनी, फ्रांस, इंडिया में कितने केसेस ऐसे हैं, हम मिलके अगर सबके लिए प्रेयर करेंगे ना, तो हमारी प्रेयर उस भगवान तक जाएंगी जो इस प्रॉब्लम से सबको ही बाहर निकालेगा. मैं आपको अभी अपने घर में बाबा के लाइव दर्शन कराती हूँ, आप देखिए उनको कितना मैंने, आठवां दिन है मैं मेडिटेशन करके इतना ज़्यादा मैं क्योर करने की कोशिश खुद से कर रही हूँ. मेरे साथ मंदिर के कुछ प्रीस्ट हैं, वो भी मेडिटेशन करते हैं. मैं जिन जिन लोगों को जानती हूँ, जिन तक मैं ये मैसेज पहुँचा सकती हूँ, वो भी मेडिटेशन कर रहे हैं. तो मैं चाहूँगी कि अगर मेरा मैसेज सब तक आ रहा है, तो मैं जो रामनवमी वाले दिन मेडिटेशन शेयर करूँगी, आप वो मेडिटेशन ज़रूर करें. देन आप ये देखें कि आपके सबके और हमारे सबके एक साथ एकजुट होने से सबको कितनी जल्दी क्योर होगा. उससे हमारे कंट्रीज दोबारा से शुरू होंगी, हमारा लाइफस्टाइल दोबारा शुरू होगा, लोगों का मरना कम होगा. इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, हम उनके लिए एक कॉन्डोलेंस शेयर करते हुए उनकी आत्मा को शांति मिले. ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए. जो लोग सफ़र कर रहे हैं, वो उनकी हालत हम न्यूज़ पे देखें और उनको इमेजिन करें हमें कितना फील होता है. सो बस उस चीज़ के लिए मैं चाहती हूँ कि हम उस प्योरिटी से, उस अपने अपने उन भगवानों को याद करते हुए मेडिटेशन करेंगे, तो हर चीज़ का क्योर बहुत ईजिली निकलेगा. इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि आप लोग जस्ट बी विद मी, लेट्स जस्ट हील द वर्ल्ड टुगेदर एंड लेट्स जस्ट प्रे फॉर एवरी वन. Heal the world and make it a better place for you and for me and the entire living space. There are people dying, but we care not for living.
make a better place for you and for